गांधी की, इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष खड़गे साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के द्वारा आप सबकी भावना के अनुरूप मुझे AICC का सदस्य मनोनीत किया गया और उस अभिनंदन समारोह में विराजमान हमारे जिले के वरिष्ठ नेता सरार अहमद जी, सम्माननीय प्रीकांत पंड्या जी, सम्माननीय वल्लभ जी, सम्माननीय रोशन जी, सम्माननीय नारायण भाई, बलवंत सिंह जी, हमारे कैलाश भाई, सभी ब्लॉक अध्यक्ष जी, नगर पालिका के अध्यक्ष जी, वाइस चेयरमैन चेयरमैन साहब, हमारे चंद्रशेखर संघवी जी और पूरे जिले से पधारे हुए मेरे अंतंग मित्रों, साथियों, बुजुर्गों, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि कल से जब से ये घोषणा हुई है तब से आप दिल से मेरा स्वागत करने के लिए मेरे कार्यालय में आ रहे हैं और आज आप भी पधारे हैं तो मैं आपका तहे दिल से फिर आभार व्यक्त करता हूं। लंबे समय से मैं आपके बीच में हूं, काम कर रहा हूं और ये एक संदेश कांग्रेस आला कमान ने दिया है कि जो काम करता है उसको सम्मान मिलता है। कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रूप से जो सेवाएं देगा उसको सम्मान मिलेगा। आज 1985 से लगा करके मैं असरार भाई और सब जने आपके बीच में हैं और NSUIU चाहे यूथ कांग्रेस हो चाहे कांग्रेस पार्टी का कोई भी काम रहा हो पूरी जिम्मेदारी के साथ किया है। अभी कांग्रेस की सरकार है, समय 6-7 महीने बाकी है फिर से हमको सरकार लानी है और उदयपुर डिवीजन के अंदर हमारे विधायक जीतेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में फिर से सरकार है। तो हम सब की जवाबदारी है कि हम सब मिलकर के आज मुझे AICC का जो सदस्य बनाया गया है मैं मानता हूं कि ये मेरा नहीं आप सब कार्यकर्ताओं का सम्मान आला कमान ने किया है, ये आप सबका सम्मान है क्योंकि एक व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके पीछे पीछे पूरी पूरी टीम आगे बढ़ती है और मेरी वर्किंग को आप अच्छी तरह से सब जने जानते हैं कि मैंने एक व्यक्ति को कभी रोका नहीं है। कई व्यक्ति बड़े नेता से मिलाने में हिचकिचाते हैं, खुद अंदर चले जाते हैं तेरे को बाद में मिलवाएंगे, लेकिन मेरी हमेशा जिला अध्यक्ष बनने के बाद इच्छा रही है और 50 बार में व्हाट्सएप पे डाल डाल के लोगों को, पहले सरकार नहीं थी तब भी मैं प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी थे उनसे मिलवाने के लिए मैंने 3-4 बार जिले के सारे लोगों को लेकर के गया। सरकार बनी उसके बाद मुख्यमंत्री जी से, पायलट साहब से, डोटासरा जी से, अजय माकन जी से मिलवाने के लिए कई बार कार्यक्रम किए। सभी समाजों के लोग, चाहे पाटीदार समाज के आए हो, चाहे SC समाज के आए हो, चाहे ब्राह्मण समाज के आए हो, सब लोगों को ले जाकर के वहां पे मिलवाने की कोशिश की कि आपकी पहचान बने, आप लोगों को बड़े नेता पहचाने, आपको सम्मान मिले। और आगे भी मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि AICC में राष्ट्रीय अध्यक्ष तक भी आपकी पहचान बनाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए, क्योंकि कार्यकर्ता को चाहिए क्या, सिर्फ सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए उसको, उसको हम दे क्या देते हैं। तो अगर वो हमारे बड़े लीडर से जब वो मिल नहीं सके, उसके साथ हार नहीं बना सके, उसके साथ फोटो खींचा नहीं सके, वो कार्यकर्ता बेचारा क्यों काम करेगा, हम दे क्यों देते हैं, वही तो चाहता है सम्मान। पहले इंदिरा जी के साथ यहाँ पर यात्रा में जाते थे लोग, एक फोटो खिंचवा देते तो 3 पीढ़ी तक जो है घर के अंदर फोटो लगी रहती थी कि मेरे दादाजी जो है इंदिरा जी से मिल करके आए। तो आज ये जो फोटो परंपरा है इसको गलत मानने की जरूरत नहीं है, इससे उत्साह मिलता है कार्यकर्ता सबको मिलना चाहिए। अशोक गहलोत जी ने जो मांगा आपको दे रहे, जो मांगा पिछले
कभी सोच सकते थे कि कभी उठा करके देख लेना चार साल से पहले का बजट किसी सरकार में, गहलोत साहब की सरकार का भी कह रहा हूं और किसी की बात ही नहीं कर रहा, कि पिछली सरकार में कभी ये घोषणा नहीं होती थी कि सागवाड़ा से पादरा से कोकापुर मांडव होते हुए मुनाली तक रोड बनेगा, कभी नहीं होता। ये पहली बार हुआ है कि व्यक्तिगत गांव के नाम पर मुख्यमंत्री घोषणा कर रहा है कि यहां पर यह सड़क बनेगी। मुख्यमंत्री की घोषणा कर रहे हैं कि मुनाली के अंदर सीएससी खुलेगी, मुख्यमंत्री की घोषणा कर रहे हैं कि भिलुड़ा के अंदर सीएससी, वरना पहले क्या होता था कि राजस्थान के अंदर 50 सीएससी खोलेंगे, 100 बीएससी खोलेंगे, 150 स्कूलें खोलेंगे। अब वो मर्जी है उसको नाम लिखा, लेकिन अब नाम जब आने लगा ताकि कार्यकर्ता को ये लगे कि मेरे कहने पे कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने मेरे गांव के अंदर सीएससी या पीएससी खोली है, ये काम पहली बार अशोक गहलोत ने, हमारा आदर किया। अभी पूछते हैं कि कांग्रेस के अंदर सरकार आई हमको क्या मिला, आज दिन तक जिन लोगों ने देश की आजादी के बात किया उसको व्यक्तिगत क्या मिला, भड़काने वाले कई है, क्या मिला? ये मिला कांग्रेस के कार्यकर्ता को, ये मिला कि उसने जिसको वोट देकर के अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया, उस मुख्यमंत्री ने हर घर का बिजली का बिल माफ किया है, बिजली का बिल माफ किया, हर किसान को 2000 यूनिट माफ किए, बिजली फ्री घर की, किसान की कितना भी खेत के अंदर बिजली चलाए फसल पैदा करने के लिए वो बिल अशोक गहलोत ने माफ किया। ये उज्ज्वला योजना लेकर के आए कि 400 का गैस सिलेंडर हम 100 रुपए में कर देंगे, बाबा रामदेव से लगा करके दूसरे बाबा मोदी जी तक सब कहते थे, और वो 400 रुपया 40 की जगह 1200 रुपया हो गया, अशोक गहलोत 700 रुपए उसमें मिला करके 500 रुपए में गैस सिलेंडर हमको देगा, ये कांग्रेस कार्यकर्ता की उपलब्धि है, ये कांग्रेस कार्यकर्ता। आज सरोदा में थाना खोला, पाड़वा उप तहसील हुई, ओबरी के अंदर थाना खोला, ओबरी के अंदर उप तहसील हुई, गलियापट के अंदर कोई सोच सकता है कि गर्ल्स कॉलेज खुल सकती, वहां गर्ल्स कॉलेज की घोषणा हुई, एक गर्ल्स कॉलेज और मिलने की संभावना है सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र को, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, चेंज करेंगे कुछ ठीक करेंगे। जो आसपुर के कार्यकर्ताओं ने मांगा है कि आसपुर के अंदर नगर पालिका होनी चाहिए, एक किसी विधान हर विधानसभा में एक क्षेत्र में एक होनी चाहिए, मैं समझता हूं कि अशोक गहलोत जी आसपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बात को भी वो मानेंगे। सागवाड़ा के अंदर नगर पालिका बनेगी, आपके हाथ में ये ताकत है, कोई आपके आपको इसलिए दी गया है कि आप नगर पालिका क्षेत्र के नहीं है, लेकिन ये आपके गांव में जाकर के बता सकते हो कि कांग्रेस का नगर पालिका बोर्ड बनने के बाद कांग्रेस का काम इस तरीके से होता है, ये आपको बता सकते हैं आपके गांव में जाकर, तो डूंगरपुर में नहीं। अगर अगली बार सरपंच कांग्रेस का होगा, प्रधान कांग्रेस का होगा, एमएलए कांग्रेस का होगा, तो ऐसी बुके हर गांव के अंदर छपेगी, ये बात जाकर के आपके गांव में जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और यही मैं आपसे निवेदन करता हूं बार बार कि मेरा ये ऑफिस है, आप 25 साल से इस ऑफिस को देख रहे हैं, इस ऑफिस में मैंने शटर लगाया ही नहीं है क्या, यहां कभी 24 घंटे में ये ऑफिस बंद नहीं होता, कुर्सियां या जमी हुई है, अपने दिल की कोई बात यहां करके रखिए, मेरे से या इस कार्यालय के अंदर जो बैठे हैं ये सब मेरे कार्यालय के साथी हैं, इनसे जो बनेगा कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी इस ऑफिस से निराश होकर के नहीं जाएगा, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। मेरे लिए कोई विषय नहीं है कि उसका आदमी, मेरे लिए कांग्रेस का आदमी। हाँ, गुस्सा आएगा तो मुंह पे कहूंगा तो सही कैसे मत करो, लेकिन काम तो उसका भी करूंगा, और कई साथी के सामने बैठे मेरे से रोज झगड़ा करते हैं, और मेरा भाई सबसे पहले नरेंद्र कोडरी है झगड़ा करता कि तेरे को ये व्हाट्सएप पे तेरे खिलाफ निगरानी क्या तो काम करता है उसका, मैं जो भाई कहूँ पड़ा मैं रोज झगड़ा था, मेरे भाई झगड़ा था, दूसरा किसी का क्या नाम, मेरे साथ में है कि इनका क्यों काम करते हो, सबका करते, क्योंकि वो आदमी मतभेद हो सकता है लेकिन गांव में जो कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, एक वोट अगर कांग्रेस के लिए बढ़ाने वाला आदमी है और उसके वो मेरे उससे मतभेद है तो भी वो कांग्रेस का सिपाही है, इसलिए उसका काम होना चाहिए, इसलिए मैं करता हूं, यही मैं आपसे बोलूंगा।
ये काम करिए, ये तेरा मेरा नाम गुस्सा है बोल दीजिए, कोई चिंता नहीं। लेकिन या सब देख ले, आज मेरे पास कोई पत्र नहीं है, पहले भी क्या था, निवर्तमान बना दिया 2 साल है, तो पत्र कोई नहीं, तो भी कोई काम उन्होंने बाकी नहीं रखा। मैं सब साथी आज भांजी भाई के 2 लड़कियां बैठे हैं, वल्लभ भाई और ऋतु भाई, क्या आपकी जवाबदारी नहीं? जिस कांग्रेस पार्टी को तुम्हारे पिताजी ने खून पसीने से सींचा है, उस पार्टी को आप सड़क पे छोड़ दो? क्या भांजी भाई का लड़का, जिसने भांजी भाई प्रधान रहते हुए, जिला अध्यक्ष रहते हुए, उस पुनाली फलोच क्षेत्र के अंदर अपनी सेवाएं दी, उनके बेटे को ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए? मेरे से पहले श्रीकांत पंड्या जी कहीं पर थे, तय हुआ कि कभी कोई और अध्यक्ष बनना था, एक विषय के ऊपर हमने फैसला किया कि श्रीकांत जी पंड्या के घर से कांग्रेस पार्टी निकली है, उनके घर से, गौरा काका के घर से, जो जीवंत आजादी के पहले से जिसके घर में कांग्रेस का ऑफिस लगता था, उसके बेटे को जिला कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाएंगे तो किसको बनाएंगे, बताइए आप? सम्मान गौरी गौरा काका ने जो किया, उसके बाद एज ए सरपंच, जैसे नेता भी श्रीकांत जी ने अपनी सेवा देने के बाकी नहीं है, उनको सम्मान मिलना चाहिए। श्रीकांत जी अध्यक्ष बने, फिर मुझे भी मौका मिला। अब जो पद के ऊपर बैठे हैं वो पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी होनी चाहिए, या कर्म बहुत अच्छे होने चाहिए, पार्टी के प्रति समर्पित होना चाहिए। आज मैं अध्यक्ष नहीं हूं, हो सकता है कल सुबह तक दूसरा अध्यक्ष बन जाए, हो सकता है श्रीकांत जी बन जाए, वापस वल्लभ जी बन जाए, हो सकता है अजरा जी बन जाए, कोई भी बन सकता है। लेकिन जो बनेगा उसको बनाने वाली सोनिया गांधी और खड़गे साहब है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बन जाए उसको नेता मान करके 36 कौमों को, लोगों को मिल करके उस कांग्रेस अध्यक्ष के साथ अगले 4 विधायक जिताने के लिए हमको जोड़ जाना चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमने इतने अध्यक्ष बनाए, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप 8 ब्लॉक अध्यक्ष बने, कई लाइन में थे, कई लोग लाइन में बन गए, लेकिन एक आदमी ने भी ये कहा कि साहब इसको अध्यक्ष क्यों बनाए, मैं तो पार्टी छोड़ के जा रहा हूं, कपलेट लेकर के खड़ा होता है किसने कहा? तो जो चुनाव लड़ने वाले हैं उन तक मेरी आवाज जाए, और मैं कहूंगा भी सही जिला लेवल पे, जरूरत पड़ी तो प्रदेश लेवल पे भी कहूंगा कि जब जिनको कुछ नहीं मिलता है, जो सरपंच नहीं बन सकते, प्रधान नहीं बन सकते, एमएलए नहीं बन सकते, एमपी नहीं बन सकते, वो जीवन भर जिसने कांग्रेस की जाते में बिछाता है, वो भी ब्लॉक अध्यक्ष बनना चाहता है और उसको नहीं बनने मिलता है, तो भी वो पार्टी के प्रति गद्दारी नहीं करता है, तो फिर आपको तो सब बनने का मौका मिलता है, तो फिर आप पार्टी के साथ गद्दारी क्यों करते हो? नहीं करनी चाहिए अपनी माँ की के साथ गद्दारी। ये मैं सब नेताओं से निवेदन कर रहा हूं। टिकट किसी एक को मिलेगी? 4 विधायक जो खड़े होंगे उसमें से किसी एक को मिलेगी? तो सबकी जवाबदारी है, जिसको मिले, जिसको कांग्रेस का निशान लेकर के आए, उसको हमको विधायक मान करके उसके साथ हमको जुट जाना चाहिए, जैसे कांग्रेस का हर कार्यकर्ता यहां पर ब्लॉक अध्यक्षों के साथ, कल जिला अध्यक्ष की घोषणा हो जाए तो उसके साथ हमको भी सबको, एक विद्रोह इस जिले के अंदर नहीं होगा जिसको जिला अध्यक्ष क्यों बना दिया, क्यों कर, जो पार्टी को अच्छा लगेगा वो करेंगे, जिनके जिनका पार्टी के प्रति समर्पण रहा है, जो सबको साथ लेकर के चले, वरिष्ठ हो और जिसके अंदर नेतृत्व की क्षमता हो, ये निर्णय ऊपर वालों को करना है। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।